जय हिंद जय भारत दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है, सिविल इंजीनियर बनने के लिए 10th और 12th के बाद क्या करना पड़ता है और सिविल इंजीनियर को सैलरी कितनी मिलती है। पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हाय दोस्त, इंजीनियर का काम क्या होता है? तो दोस्तों, जब भी सरकार किसी भी तरह का निर्माण का योजना बनाती है तो सबसे पहले सिविल इंजीनियर उस योजना की प्लानिंग, डिजाइनिंग व संरचनात्मक कार्यों को लेकर रिसर्च और समाधान तैयार करने का कार्य करता है। जैसे बिल्डिंग, घर, सड़क, डैम, नहर, स्टेडियम, शॉपिंग मॉल्स, एयरपोर्ट इत्यादि निर्माण और मेंटेनेंस वाले प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है। यानी कि किसी खाली प्लॉट में घर कितने बड़े एरिया में बनेगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, कितने कमरे होंगे, बाथरूम, किचन और हॉल कहाँ पर होगा, ये सभी डिजाइन किया जाता है। डिजाइन के आधार पर सभी जरूरत वाले मटेरियल मंगाया जाता है और इसके निर्माण का काम किया जाता है। इन सभी को पूरा करने में सिविल इंजीनियर का सबसे अहम रोल होता है। जिस तरह से घर का निर्माण किया जाता है, उसी तरह से अन्य निर्माण का भी काम किया जाता है। सिविल इंजीनियर का इस्तेमाल पब्लिक सेक्टर वाले क्षेत्र, नगर पालिका से सरकारी राष्ट्रीय कामों तक और प्राइवेट सेक्टर में पर्सनल घरों से लेकर इंटरनेशनल कंपनीज तक किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि सिविल इंजीनियर कैसे बने। तो दोस्तों, सिविल इंजीनियर बनने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है 10th पास करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स। इसमें होता यह है कि जैसे 10th का एग्जाम पास करने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 साल तक डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद आप एक जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। और अगर आप सीनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके बाद भी इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिग्री कॉलेज में सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है और यहाँ पर 3 साल पूरा करके डिग्री हासिल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि 12th के बाद सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स करना। इसमें आपको 12th में साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ पास करना होता है, जिसके बाद IIT एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पास होने के बाद BE या BTech में एडमिशन मिलता है। एडमिशन मिलने के बाद 4 साल डिग्री प्रोग्राम ज्वाइन करके डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सफलतापूर्वक डिग्री कोर्स पूरा कर लेने के बाद आप यहां से एक सीनियर सिविल इंजीनियर बन जाते हैं। अब बात आती है कि सिविल इंजीनियर को सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में किसी सिविल इंजीनियर को शुरुआती वक्त में 20,000 से 25,000 तक की सैलरी मिल सकती है। कुछ अनुभव हो जाने के बाद एक्सपीरियंस के आधार पर 3-4 साल में लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सिविल इंजीनियर फ्रीली भी काम कर सकते हैं। जैसे शहरों में अक्सर आप देखते होंगे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बनाने का काम बिल्डर और ठेकेदार को दिया जाता है। अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट है और आप अपने टैलेंट के अनुसार काम में माहिर है तो उसके आधार पर आपको इन प्रोजेक्ट में काम मिल सकता है। इसके अलावा घरों के निर्माण करने वाले ठेकेदारों से मिलकर आप अनेकों तरह के काम भी ले सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है, कैसे बना जाता है और सैलरी कितनी मिलती है। लेकिन दोस्तों, बहुत से ऐसे नए छात्र है जिसे इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा ताकि उन नए छात्रों तक ये जानकारी पहुंच सके। और जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आगे इसी तरह की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।